it's all about humanity. नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल में जिसका नाम है ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। तो मैं आपको मिलाना चाहता हूं जो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं हमारे कोच, और उनसे मिलाने से पहले मैं मास्क लगाना चाहूंगा क्योंकि कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन लगा हुआ है सब में, और ऐसे लॉकडाउन के समय में आपको घर बैठे ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको जो ट्रेनिंग देते हैं उनसे मिलाना चाहता हूँ, ठीक है? आइए। हेलो सर, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम खेम सिंह यादव है, जो मैं निर्मल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में कम से कम 4 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मैं पहली बार ड्राइविंग सीखने आया हूँ सर से। तो सर हमको बताने वाले हैं कि ड्राइविंग कैसे सीखते हैं और कैसे गाड़ी को चलाते हैं, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो सर स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आइए सर। हाँ, गाड़ी में ठीक है? हाँ ओके सर। तो सर जी, हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए कि ड्राइविंग सीखने के लिए आप क्या चार्ज लेते हैं? चार्ज वही 6,000 महीने का, 6,000। और हाफ ट्रेनिंग जो है, मतलब महीने में ट्रेनिंग का हिसाब हमारा ये होता है कि 30 दिन की ट्रेनिंग है, 4 संडे ऑफ रहते हैं उसमें, और 26 दिन हम आपको ड्राइविंग सिखाएंगे। उसमें अगर आप हाफ मंथ में सीख जाते हो, मतलब तुम्हारा 13 दिन में, तो आप 13 दिन का चार्ज पे कर सकते हो। 13 दिन में हम 3500 रुपये लेते हैं, 13 दिन में 3500, और जो एक हफ्ते का चार्ज है वो हम 2000 रुपये लेते हैं। बढ़िया हो गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस गाड़ी में 2-साइडर, इसमें ब्रेक और ये सर क्लच, ब्लैक ब्रेक और क्लच है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें, ये आपको दिख रहा है कुछ, ये ब्रेक है सर, ब्रेक है ये, इधर लेफ्ट वाला वो क्लच है और राइट वाला ब्रेक है, मतलब अच्छा, ये जो पुश हो रहा है राइट वाला, ये वाला वो क्लच है और ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक है और ये क्लच है। ड्राइविंग सीखने के लिए सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, ड्राइविंग सीखने के लिए बातों का बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि मतलब जो भी है, कोई भी गाड़ी का मतलब चलाने तो लग जाता है, उसको रूल एंड रेगुलेशन का कुछ भी पता नहीं होता, ठीक है? और सबसे पहले गलतियां क्या होती है गाड़ी चढ़ने से पहले बंदों के साथ, कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, उस समय क्या होता है कि जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता है, कोई बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बकरी का बच्चा, A to Z कोई इंसान का बच्चे आके गाड़ी के नीचे बैठ जाता है, और बंदे क्या करते हैं, गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं और स्टार्ट करके गाड़ी चलते रहते हैं। उससे क्या होता है कि मतलब जो गाड़ी के नीचे जानवर बैठा है वो भी बेजुबान है, वो तो बोल नहीं सकता है जी। उसको नींद आई है, वो क्या है क्या नहीं, वो उस समय तो कोई भी जानवर है A to Z उसके नीचे बैठा है तो बेचारा मर ही जाता है उस एक गलती के कारण, ठीक है? और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमने सबसे पहले ध्यान रखना है, मतलब ये 4 टायर प्लस 5वीं स्टेपनी, हवा ओके है नहीं है पता लगा, पहले पंचर है गाड़ी जी, और आपकी स्टेपनी पंचर पीछे रखी है, ठीक है? उस समय होता क्या, बदकिस्मती से रास्ते में हम चल रहे हैं, पंचर हो गया, एक स्टेपनी आपकी पहले से पंचर है, ऊपर से दूसरा टायर पंचर हो गया, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे पहले से। हो सकता है आप जंगल में हो, जंगल में दिक्कत हो जाएगी, आपके साथ फैमिली है, क्या है क्या नहीं, सब चीज़ों का ध्यान इसमें रखेंगे। और तीसरी बात का यह है कि तीसरी बात जो फ्यूल होता है, फ्यूल सबसे मेन होता है गाड़ी में, कि हमें फ्यूल का ध्यान सबसे पहले देना होगा। पता लगा कि रास्ते में हमारा फ्यूल ख़त्म हो गया और दिक्कत हो जाएगी, और हो सकता है कि किलोमीटर तक आपके पेट्रोल पंप नहीं होते, वहाँ दिक्कत आ जाती है। चौथी बात हुई हमारा सीट बेल्ट, जो कि सेफ्टी का बहुत ही बड़ा रोल करती है, ठीक है जी? क्योंकि हमारी फैमिली या सबकी फैमिली यही आशा करती है कि भाई हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं वो आ रहे होंगे दुर्घटना के लिए, सबसे मतलब यही है कि मतलब दुर्घटना रोकने के लिए सबसे बड़ा चीज है, जब सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारा वो सीट बेल्ट का होता है। सीट बेल्ट लगाओ अपने सुरक्षित घर जाओ जी, बिल्कुल। तो सर ये सीट बेल्ट कहाँ लगती है, सीट बेल्ट ये कैसे लगती है? ये देखो यहाँ से एक क्लिप होगा जी, ये क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सीट बेल्ट लगती कैसे, और ये मुझे लग रहा है आपकी सीट भी थोड़ी सी पीछे है। हाँ जी, तो ये आप ये इसमें लॉक हो जाता है। हाँ, इसमें इसको इस तरीके से, अच्छा, इसको प्रेस करके थोड़ा सा इसको इसके अंदर डाल के, ओके सर, ओके। बाद में ये जो बाद में निकालना होगा तो उसको प्रेस करके तब निकालना पड़ेगा जी सर। एक क्वेश्चन और था,
तो ये जो सीट है हमारी, तो इस अच्छा, आगे पीछे हो जाएगी। हाँ, ये यहाँ से देखो आगे पीछे हो जाती है। आप यहाँ से इसको स्प्रिंग है, इसको इस तरीके से उठा के खींच सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ये हमारा स्प्रिंग, इसको उठाया तो आगे और इसको उठाया पीछे, मतलब वहाँ छूट गया। ओके, और ये आपकी सीट देखो पीछे भी जा रही है, तो इसको भी आप यहाँ पे क्लिप होगा जी जी, इसको इस तरीके से ऊपर खींचो, ये वाला करके ऊपर नीचे। तो हाँ, ये सीट ये पीछे चली गई। हाँ, तो आप इसको ऊपर करो और थोड़ा वेट अपना उठाओ। अगर उठाया तो ये हमारी ये आगे आ गई। ओके, ठीक हो गया। ठीक है सर। और पांचवा, ये अभी आपको वहाँ बता दिया, सीट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जहाँ आपको कंफर्टेबल हो इस तरीके से अपना, इस तरीके से। ओके, उससे पहले भी ये शीशों का ध्यान दिया जाता है, पहले शीशा सेट करेंगे तो ये यहाँ नहीं पकड़ेंगे, हो सकता है शीशा मतलब वो हुआ, वो हमने इसको तेज से करके इधर के इधर उधर वो किया और ये जो कांच है ग्लास जो है वो टूट के हाथ में लग सकता है, चोट लग सकता जी। तो नेक्स्ट स्टेप हम सीखने के लिए अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि गियर कैसे पड़ते हैं और कैसे रेस देते हैं, किस टाइप से इसको मतलब गाड़ी को चलाते हैं। बाकी का वही आपका गियर और बाकी जो ये चीज़ें हैं, बाकी मतलब ये अपना इंडिकेटर लाइट्स वगैरह, ये बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे ये जानकर और ये सब कुछ देखकर। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और कुछ नया सीखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छी लगी हो तो उस शेयर भी करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक मतलब दे सकते हैं। कुछ हो सकता है मैंने पहली बार वीडियो बनाई है तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहूंगा जी। बाकी अगली वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि बाकी कैसे आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत जल्दी आपको गाड़ी सिखा दूंगा। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितनी जल्दी सीखते हो और कितना लेट सीखते हो, क्योंकि मतलब वो आपके ही ऊपर है, आपकी कैचिंग पावर किस हिसाब की है उस हिसाब से आप बंदा गाड़ी सीखता है। ठीक है, ओके, बाय बाय। Okay.